आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के हमारे वीडियो में हम आपको क्रिसमस की कुछ अनसुनी बातें बताएंगे जो आपने कभी सुनी नहीं होगी दोस्तों। ये हमारा आपसे वादा है दोस्तों, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्रिसमस आता है शीत ऋतु के मध्य में, जब सुहावना वातावरण रहता है पूरे विश्व में। क्रिसमस के त्योहार में खुशियों में तराबोर हो जाता है पूरा वर्ल्ड। और इसकी क्या विशेषता होती है, क्यों इसी दिन ये मनाया जाता है, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। दोस्तों क्रिसमस का त्यौहार ईसा मसीहा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हालांकि कई ईसाई विद्वान ये बताते हैं कि ये ईसा मसीहा का वास्तविक जन्मदिन नहीं है। तो ये परंपरा कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, कैसे पड़ी और इसके पीछे का रीजन क्या है, यही हम आपको बताएंगे दोस्तों। यूरोप में ईसाई धर्म के आगमन के वक्त बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते थे, जिसमें सबसे प्रमुख था सूर्य के उत्तरायण का त्यौहार, जिस दिन से सूर्य का पुनर्जन्म होता था ऐसा माना जाता है। और इस दिन से दिवस बड़ा होता जाता है दोस्तों। तो यूरोप की प्रचलित परंपरा और ईसाई धर्म की परंपराओं के संगम से ही क्रिसमस का त्यौहार मनाना शुरू हुआ दोस्तों। दोस्तों ईसाई धर्म के अनुसार ईसा मसीहा का जन्मदिन तो आता ही है इसी दिन, पर इसी दिन सांता क्लॉस भी आते हैं। तो क्या रिलेशन है ईसा मसीहा के जन्मदिन का, ईस्टर यानी कि क्रिसमस का और सांता क्लॉस का, ये हम आपको बताएंगे दोस्तों। बिशप सेंट निकोलस तुर्कस्तान में रहते थे, हालांकि इनका सीधा कोई रिलेशन नहीं है ईसा मसीहा के साथ, पर इनका जन्म 3री सदी में हुआ था। ईसा मसीहा के मृत्यु के 280 साल के बाद इनके माता पिता की मृत्यु छोटी आयु में ही हो गई थी, तब भी से इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया था। और वो दूसरों की बहुत सहायता करते थे, और वो आधी रात को ही निकलते थे दूसरों की सहायता करने के लिए, ताकि कोई उनको पहचान न ले, कोई उनको देख न ले। उन्हें बच्चे काफ़ी पसंद थे और वो बच्चों को गिफ्ट भी दिया करते थे। वो 25 दिसंबर से अपना सफ़र शुरू करते थे, इसी कारण सेंट निकोलस को सांता क्लॉस कहा जाता है। और 25 दिसंबर क्रिसमस और ईसा मसीहा के जन्मदिन के तौर पर 25 दिसंबर का त्यौहार पूरे वर्ल्ड में हर्षोल्लास के साथ ईसाई भाई क्रिश्चियन भाई मनाते हैं।